हेलो गुलवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिटर्नी, मेरा नाम लेसन। वेलकम बैक टू एनिमेशन वीडियो। खामोशियाँ सॉन्ग आई गेस मैं दो तीन बार सुन चुका हूँ। सिर नास की वीडियो में सुन चुका हूँ, वैसे एक लिरिकल वर्जन पे भी मैं इसका रिएक्ट कर चुका हूँ। बट फिर सेशन थी, मुझे लिंक दिया गया था, जब मैंने लिंक को ओपन किया तो खामोशियाँ पहली बार मैं सुनने वाला हूँ एक लाइव परफॉर्मेंस में बाय अरिजीत सिंह। सो ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जितनी मर्जी बार सुनवा लो यार अरिजीत के गाने, मैं खुशी खुशी सुनूँ। सो खामोशियाँ का लाइव वर्जन हाजिर है, और ए लाइव चैनल है जिनका मैंने ये वीडियो लिया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनके मैं ऑलरेडी भी और भी बहुत सारे लाइव वर्जन ले चुका हूँ। सो लेट्स वॉच आउट। सेम सेट का सनम रे भी मैंने लिया था, सेम इसी स्टेज का सनम रे, और मैंने कल ही अपलोड किया। आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लीज चेक आउट, जिसमें अजय सिंह की बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस है। सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खुद गाते हैं दिल्ली, बहुत बड़ा बैंड है। क्या उस गली में कभी जहां से जमाने गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या साज है, तुम धुन को लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी यहाँ गुनगुना लो जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। देयर वॉज अ वीडियो। ओके, एक्सपेक्टेड था मुझे कि अच्छा होने वाला, बट ये एक्सट्रॉर्डिनरी अच्छा था।
मैं जितने भी परफॉर्मेंसेज देखता हूँ, लाइव परफॉर्मेंसेज जो देखता हूँ, उसके बाद मुझे वो लाइव परफॉर्मेंस रियल वाले वर्जन से भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ था। जब लाइव परफॉर्मेंसेज जीत करते हैं तो उसमें वो गाने के साथ खेलते रहते हैं, उस गाने को हट के बना देते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बहुत ही बड़ा स्टेज है, इसी का मैंने सनम रे परफॉर्म किया है, और बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं पीछे, और एक टीम एफर्ट होती है इतने बड़े कॉन्सर्ट्स की। तो आई गेस ये इंडिया से बाहर का था, क्योंकि जो प्लेबैक फीमेल सिंगर्स थी वो इंडियंस नहीं लग रही थी, और उसमें कुछ म्यूजिशियंस भी ऐसे थे जो इंडियंस नहीं लग रहे थे। बट एक कॉमन चीज़ होती है, जब अरिजीत इंडिया से बाहर कहीं परफॉर्म करते हैं तो वो यहाँ पे फ्लैग लगा के रखते हैं इंडिया का। वो मिसिंग था, वो मैं देखता भी रहा, तो डोंट नो, बट ऐसा लगा कि ये बाहर का परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन, और एक बार फिर रिएक्शन में लाया हूँ आपकी खिदमत में। बट जिनके अभी भी रिएक्शन आपने रिक्वेस्ट की हुई हैं वो पेंडिंग हैं, तो वो मैंने नो डाउन कर रखे हैं, सो मैं उन पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा, बट थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। दैट वॉज रिएक्शन ऑफ सॉफ्ट। चलो, मिलते हैं किसी रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए रहने के बाद।